हमारे किसान की आय तो दोगुनी ये सरकार नहीं कर पाई। इस सरकार ने वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने। अभी मैं इनके लंबे लंबे भाषण सुनता हूँ, इनके बड़े बड़े भाषण आते हैं, लेकिन एक भी भाषण में किसान को लेकर की ये बात नहीं कह रहे। पहले तो साजिश कर करके ये तीन ऐसे कानून लाए जिन कानूनों से किसानों की खेती बर्बाद हो जाती, जमीन छिन जाती, उनके हाथ में खेती नहीं बचती। मजबूरी में उत्तर प्रदेश का चुनाव देख करके उन्होंने तीनों कानून वापस ले लिए। और मैं जानता हूँ और हमारे तमाम साथियों ने बताया कि जिस समय गाजीपुर से मऊ आजमगढ़ होते हुए जब सवेरे रथ पहुंचा था, भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए और सबसे बड़ा काम उन्होंने किया कि किसानों के तीन कानून वापस ले लिए। जहां उत्तर प्रदेश के किसान और पंजाब के किसानों को मैं बधाई देता हूं कि जहां पर किसान लगातार आंदोलन करते रहे, पंजाब के किसान डट गए, देश के किसानों ने साथ दिया और उसका परिणाम हुआ कि तीनों कानून भी वापस हो गए। ये तीन कानून इसीलिए वापस लिए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नजर वोट पर है। समाजवादी पार्टी ने फैसला किया था जिस समय समाजवादी सरकार बनेगी, वो किसान जिनकी आंदोलन के समय पर जान गई है, उन सभी किसान परिवारों को 25-25 लाख रुपए उनकी मदद करने का काम करेगी। और साथ ही साथ एक किसानों के सम्मान में एक स्मारक भी बनाया जाएगा। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।